हेलो ब्रियोन, हाउ आर यू ऑल? हेलो हेलो मैम, मैम, वी आर फाइन मैम, व्हाट अबाउट यू? हेलो मैम, वी आर वन मैम, धन मैम, एंड व्हाट अबाउट यू? ओके, टुडे वी विल राइट टॉपिक एंड टॉपिक सेंटेंसेस इन राइटिंग जंक्शन. ओके, हम राइटिंग जंक्शन में टॉपिक एंड टॉपिक सेंटेंसेस के बारे में राइट करेंगे. फिर टॉपिक राइट करेंगे, फिर टॉपिक सेंटेंस राइट करेंगे. चलिए बुक ओपन करिए, बुक भी पेज नंबर 16. सभी को दिख रहा है? यस मैम. ये पेज नंबर 16. यस मैम. ओके बेटा, मेरा अभी क्लियर नहीं हो रहा, अपने बुक में देखेंगे क्या राइट है. द टॉपिक सेंटेंस इन अ पैराग्राफ एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया एंड इज जनरली वेरी कैची और इंटरेस्टिंग. कैची मतलब आकर्षक. The topic sentences in a paragraph. Paragraph में जो topic sentence होता है, किसको ही paragraph हो, जो topic sentence होता है, वो क्या express करता है, क्या व्यक्त करता है, main idea को व्यक्त करता है. किस इस paragraph का main idea क्या है, जो topic sentence होता है paragraph के main idea को बताता है. And is generally very catchy और प्राय बहुत ही आकर्षक होता है. ओके, और रुचिकर होता है. जो topic होता है किसी भी paragraph में, वो हमें पैराग्राफ के आइडिया के बारे में बताता है कि इसमें किस इसमें मेन आइडिया क्या है. ओके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, रुचिकर होता है जो टॉपिक होता है किसी भी पैराग्राफ में. मैम मेरा 14 and 15 पेज नंबर नहीं हुआ, तो आप कंप्लीट करके सेंड करना, वीडियो देख के कंप्लीट करना. क्लास नहीं लोगे, कंप्लीट कैसे होगा? ये सब कंप्लीट करवा दिया गया है. फॉर एग्जाम्पल, जो टॉपिक आपका है, जो पैराग्राफ राइट है, उसका टॉपिक है हेल्दी एंड नेचुरल ड्रिंक्स. जो सपोज आपका अपना कहीं कोई टॉपिक राइट है, टॉपिक का नेम जो पैराग्राफ राइट है, उस पैराग्राफ में टॉपिक जो है, टॉपिक क्या है, हेल्दी एंड नेचुरल ड्रिंक्स टॉपिक का नेम है. और उसमें टॉपिक क्या है, टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, मेन आइडिया क्या है आपका होगा, चीयर्स टू टेंडर कोकोनट वाटर आर रिफ्रेशिंग नेचुरल ड्रिंक. ये आपका क्या है, टॉपिक है. टॉपिक आपका है हेल्दी एंड नेचुरल ड्रिंक्स. और टॉपिक सेंटेंस क्या है, चीयर्स टू टेंडर कोकोनट वाटर आर रिफ्रेशिंग नेचुरल ड्रिंक. ये आपका टॉपिक सेंटेंस है. फ्रेम टॉपिक सेंटेंसेस फॉर दिस टॉपिक. अब यहाँ पे कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, उस टॉपिक के लिए आपको टॉपिक सेंटेंस राइट करना है. जैसे यहाँ पे टॉपिक राइट था, साथ में टॉपिक सेंटेंस भी राइट है. ऐसे यहाँ पे आप टॉपिक दिया हुआ है, आपको टॉपिक सेंटेंस राइट करना है. जैसे यहाँ पे टॉपिक क्या है, टॉपिक है फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के पिता. फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के पिता, ये आपका टॉपिक है. इस टॉपिक का टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, किस टॉपिक पे बात करेंगे हम, इस टॉपिक में किस टॉपिक पे बात करेंगे, बताइए किसके बारे में बात होगी इस टॉपिक पे. गणेश, दिव्यांशी, कोई बोलिए. जैसे यहाँ पे राइट फादर ऑफ नेशन, हमारे राष्ट्र के पिता, आपका टॉपिक है. तो इस टॉपिक में किस विषय पे बात होगी, किसके बारे में बात होगी, टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, मुख्य मेन आइडिया क्या होगा टॉपिक सेंटेंस का. फॉर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन. मैं राष्ट्रपिता कौन, महात्मा गांधी तो है राष्ट्रपिता, क्यों? यस मैम. तो इससे इन्हीं के बारे में टॉपिक जो सेंटेंस होगा, इन्हीं के बारे में तो होगा, मेन आइडिया क्या होगा, महात्मा गांधी के बारे में ही. तो हम राइट करेंगे, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन. क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन. हाँ, तो आप इसी के बगल में राइट कर देंगे, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन. यस, नोट कर देंगे. महात्मा किसके साथ आवाज आ रही है? फादर ऑफ
लेसन महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। टॉपिक क्या थी आपकी? फादर अवर नेशन, तो आपका टॉपिक सेंटेंस होगा महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। यहाँ पर डैश करके फिर राइट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सबको इतना अक्षर में आ गया, क्या लिखना है? बस आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक सेंटेंस। देन सेकंड टॉपिक आपका है द ब्रेवेस्ट पर्सन आई नो, एक बहादुर व्यक्ति जिसको मैं जानता हूं। तो आप जिस ब्रेवेस्ट पर्सन के बारे में जानते हो उनका नेम आप राइट करना खुद से, ठीक है। जिस ब्रेवेस्ट पर्सन के बारे में आपको पता है उनका नेम राइट कर देना। फॉर एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद वाज द ब्रेवेस्ट पर्सन, ब्रेवेस्ट लीडर। अब जब भी आप जानते हो इसके बारे में, जो ब्रेवेस्ट पर्सन के बारे में आपको पता होगा उसी का नेम आप राइट करना, ठीक है। देन माई हॉबी, अब आपको उसमें हॉबी राइट करना कि आपकी हॉबी क्या है। माई हॉबी इज रीडिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग, माई हॉबी इज ड्रिंकिंग, माई हॉबी इज राइटिंग। जो भी आपकी हॉबी होगी आप राइट करना। समझ में आ रहा कि नहीं? महिमा, काज, रवि, सुमन, रमाई कौन करिए? तुम्हारी शिवांगी नाम है, सुमन राइट करके ज्वाइन की है। टाइगर्स, अब टाइगर्स में आप क्या राइट करोगे? टाइगर क्या है मैम? आवर नेशनल एनिमल इज टाइगर। टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, आप लिखोगे टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल। देन माय फेवरेट बुक, मेरी सबसे अच्छी किताब, मनपसंद किताब, जो भी आपकी किताब अच्छी आपको लगती होगी आप उसका नेम राइट करोगे। जैसे माय फेवरेट बुक इज स्टोरी बुक, माय फेवरेट बुक इज कॉमिक बुक, माय फेवरेट बुक इज सॉन्ग बुक या स्टोरी बुक, जो भी आपको अच्छी लगी हो। माय फेवरेट बुक इज मैजिकल बुक, जो भी आपको पसंद होगा आप राइट करना। समझ में आ गया सभी को? यस मैम। तो इसे अभी करके सेंड करना सभी लोग, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं राइटिंग जंक्शन ओपन करिए बुक सी में, सेम टॉपिक राइटिंग जंक्शन बुक सी में भी कंप्लीट करेंगे हम लोग साथ में। राइटिंग जंक्शन आपको ओपन करना है बुक सी में। ये ऊपर निकल गया सर, नहीं नहीं चाहिए, ये रहा। चलिए ओपन करिए, बताते हैं फिर क्या करना है इसमें। सलोनी मेरा वीडियो ऑन करिए, राशि रवि वीडियो ऑन करिए। राइट टॉपिक सेंटेंसेस फॉर द दीज पैराग्राफ्स, यहाँ पे जितने पैराग्राफ जो पैराग्राफ राइट है उनके आपको उनका टॉपिक सेंटेंस राइट करना है कि पैराग्राफ में मुख्य टॉपिक क्या है, किस टॉपिक में बात की जा रही है। ओके, जो पैराग्राफ यहाँ पे राइट है इसमें आपको राइट करना राइट टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस आपको राइट करना है। ओके, कि यहाँ पे मेन आइडिया क्या है, इस किस बारे में बात की जा रही है, इस पैराग्राफ में किसके बारे में बताई बात की गई है, इसमें मेन आइडिया क्या है। ओके, जैसे यहाँ पे राइट है फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट स्प्रेड पीनट बटर ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। फर्स्ट स्प्रेड, पहले छिड़का जाता है पीनट बटर ऑन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड का टुकड़ा होता है एक स्लाइस होता है उसके ऊपर पहले हम पीनट बटर डालते हैं, मक्खन डालते हैं। देन टेक अ स्पून फुल ऑफ जेली, फिर हम एक चम्मच क्या लेते हैं, जेली लेते हैं, जो चटनी होती है सब जेली बोलते हो। ओके, एंड स्प्रेड इट ऑन टॉप ऑफ द लेयर ऑफ बटर, और जो हमने बटर स्प्रेड किया है फैलाया है किसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर,
उसी ब्रेड के ऊपर आपको क्या रख फैलाना है, आप क्या फैलाते हो, जेली फैलाते हो, चटनी लगाते हो, उसी बटर के ऊपर आप डालते हो, जेली डालते हो, देन प्लेस अनदर स्लाइस ऑफ ब्रेड ऑन टॉप। फिर आप क्या करते हो, एक ब्रेड का दूसरा टुकड़ा लेकर उसको उसके ऊपर रख देते हो। स्लाइस आपने रखा है नीचे, उस स्लाइस के ऊपर आपने पहले बटर रखा, बटर के ऊपर आपने जेली रख जेली फैलाया। अब जेली के ऊपर आपको एक स्लाइस रखना ब्रेड का। देन यम्मी पीनट बटर एंड जेली सैंडविच इज रेडी टू ईट। अब देखिए स्वादिष्ट पीनट बटर युक्त जो जेली जेली एंड बटर से भरा हुआ जो सैंडविच है रेडी है खाने के लिए। अब बताइए यहाँ पे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ में? बोलिए। हाँ बोलिए बेटा, सैंडविच खाने के बारे में, सैंडविच कैसे बनता है। ओके, हम सैंडविच कैसे बनाते हैं इस टॉपिक पे बात की जा रही है कि सैंडविच कैसे बनता है। तो यहाँ पे राइट करेंगे हम लोग, क्या राइट करेंगे, राइट क्या करेंगे बताओ, सैंडविच राइट कर देंगे ऐसे? हम राइट क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा बताइए क्या राइट करेंगे? जब आपके यहाँ बगल में कोई सॉन्ग चल रहा हो तो माइक ऑफ कर लिया करो। मेथड HOD मेथड टू प्रिपेयर प्रिपेयर जेली सैंडविच। सैंडविच मेथड टू प्रिपेयर जेली सैंडविच, जेली सैंडविच बनाने के तरीके। हैव यू डन? वीडियो तो ऑन कर लो। यस मैम। कनीस का मोबाइल तो हिलता रहता है, सीधा नहीं रख पाती है, घुमाती रहती है। चलो आगे हम लोग देखते हैं। हियर आर जनरली सॉरी हियर्स, हियर्स मीन्स जो खरगोश होते हैं बड़े बड़ा खरगोश, उनको हियर्स बोलते हैं। हियर्स are generally larger and have longer hind legs than rabbits. जो hares होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं किसके अपेक्षा, जो rabbits होते हैं उनके अपेक्षा hares जो है उनके पैर और hares ज़्यादा बड़े होते हैं। rabbit की अपेक्षा hares जो है बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। and longer ears, big black spot, और इनके पास इनके कान जो है बहुत लंबी होती है और कान पे स्पोर धब्बे ब्लैक कलर के धब्बे बने होते हैं। जो हेयर्स होते हैं उनके ईयर पर, उनके ईयर जो है लार्ज होते हैं रैबिट की अपेक्षा, लंबे होते हैं और उनके ईयर पे व्हाइट ब्लैक कलर के स्पोर बने होते, धब्बे बने होते हैं। देन आर रैबिट्स फर कोट डज नॉट चेंज कलर, जो रैबिट के जो फर का जो उसमें कोट लगा होता है, जो फर दोए होते हैं ऊपर के, वो कलर चेंज नहीं करता है। डो नॉट कलर does not change color, while hairs change colors from grease brown in summer to white in winter. लेकिन जो hairs होते हैं इनके जो ऊपर का फर होता है, रोया होता है, वो चेंज होता है विंटर में, समर में ब्राउन रहता है, ब्राउन की तरह रहता है, भूरे रंग की तरह, एंड विंटर में क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। जो हेयर्स है उनके जो रोए ऊपर के होते हैं, ध्यान से सुनना ठीक है। जो खरगोश होते हैं हमेशा एक ही कलर के रहते हैं, लेकिन जो हेयर होते हैं, जो बड़े खरगोश बोलते हैं उनको हम, उनकी जो जो है उनके ऊपर का फर होता है वो समर में आप रहता है ब्राउन कलर का, एंड विंटर में वो व्हाइट हो जाता है चेंज होकर। ठीक है काजल, क्या कर रहे हो बेटा सामने देखिए। देन रैबिट ईट सॉफ्ट स्टेम,
जो खरगोश होते हैं वे सॉफ्ट स्टेम ईट करते हैं, मुलायम तना खाते हैं, प्लांट के मुलायम तने को खाते हैं, ग्रास घास खाते हैं और वेजिटेबल सब्जियां खाते हैं। जो मुलायम स्टेम होते हैं, ग्रास होते हैं, वेजिटेबल जो कि सॉफ्ट मुलायम होते हैं उन्हीं को ईट करते हैं जो रैबिट्स होते हैं। हेयर्स ईट बार्क एंड रिंड बर्ड, लेकिन जो हेयर्स होते हैं वे क्या ईट करते हैं, बार्क में छाल होता है, छाल ईट करते हैं, और रिंड ऑफ रिंड बर्ड मीन्स होता है जो कली के ऊपर का पर्त होता है, छिलका बोलते हैं, कली के जो ऊपर का छिलका होता है उसको खाते हैं जो हेयर्स होते हैं, छाल खाते हैं, छिलका खाते हैं कलियों का। देन स्मॉल ट्विग्स एंड शूट्स, और छोटे छोटे टहनी खाते हैं, ओके, और छोटी टहनियां खाते हैं जो हेयर्स होते हैं। रैबिट्स यूजली लिव इन बरोज और टनल्स। रैबिट प्रायः कहाँ पर रहते हैं, बरों में रहते हैं, सुरंग में रहते हैं, मार या सुरंग में रहते हैं जो रैबिट्स होते हैं। इन द ग्राउंड, कहाँ पर, जमीन के अंदर बरो बना के, मार या सुरंग बना के रहते हैं जो रैबिट होते हैं। हेयर्स ऑन द अदर हैंड, लेकिन जो हेयर्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, ऑलवेज स्टे, प्राय कहाँ पे रुकते हैं ये, ऑन द सरफेस, सतह के ऊपर, एमोंग प्लांट, जो प्लांट का जो ऊपरी सतह होता है उसके ऊपर रहते हैं जो हेयर्स होते हैं। ओके, सबको आ गया समझ में? यस मैम। तो हमने यहाँ पे पैसेज रीड किया, पैराग्राफ रीड किया। इस पैराग्राफ में मेन टॉपिक क्या है, टॉपिक सेंटेंस क्या होगा इस पैराग्राफ का, किस के बारे में बात हो रही है, मेन आइडिया क्या है इसमें? बस रैबिट ही आपने पैसेज रीड किया पैराग्राफ, उसे के और रैबिट के बारे में आपने पढ़ा, बस रैबिट राइट कर दूं। क्या रहेगा बेटा? जल्दी बोलिए। क्या रहेगा आचल दिव्यांशी? किसी को समझ में नहीं आ रहा है। रैबिट के हेयर समर में वाइट हो जाते हैं। बेटा आपको क्यों मेन टॉपिक राइट करना है, वन लाइन, इसे मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक सेंटेंस क्या है, मेन आइडिया इसमें क्या है, इस पैसेज में मेन आइडिया क्या है, क्या छिपा हुआ है इसमें, किस बारे में बात की जा रही है? सुमन सुभांगी अपना ने बैठ के ज्वाइन किया करो। सुभांगी बताइए आप बेटा, इसमें मेन आइडिया क्या है, टॉपिक सेंटेंस क्या है इसमें, बताओगे नहीं, करवाएंगे नहीं इसको, हम खुद से आप सोच के लिखना। फिर राशि आप बताइए, काजल कोई बोलो यहाँ पे, इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, आपको एक लाइन का सेंटेंस लिखना है, मेन आइडिया इसमें क्या है। महिमा लाफिंग करती हो, कुछ बताती नहीं हो, चलिए माइक ऑन करिए, बताइए यहाँ पे क्या राइट करेंगे हम, मेन आइडिया क्या है इसमें, मेन टॉपिक क्या है? मैम रैबिट ईट सॉफ्ट स्टेम्स, ग्रो मैम ग्रास ग्रास और लिसन करिए, आप पूरा बता रही हो रैबिट क्या खाता है, हेयर क्या खाता है, ऐसे नहीं बताना आपको, मेन टॉपिक बोलना है, किस टॉपिक पे बात की जा रही है, इसमें तो कई सारे डिफरेंसेस राइट है, कितना बोलोगे आप, क्यों आपको एक लाइन में लिखना है, किसी को नहीं पता चल रहा है क्या राइट करेंगे। मोहित आप बताइए, दिव्यांशी चलिए आप बताइए, माइक ऑन करिए, आप लोग सारे लोग बिल्कुल बैठे रहते हो स्टैचू बनकर, जैसे अभी हमने ऊपर यहाँ बताया आप लोगों ने, हमने इसको रीड किया, जैसे यहाँ पे हम टॉपिक आप किसका हुआ कि मेथड मेथड टू प्रिपेयर जेली सैंडविच, यहाँ पे बताया गया है कि हम जेली सैंडविच कैसे बनाते हैं, मेथड क्या, तरीका क्या क्या है उसका बनाने का। तो ऐसे यहाँ भी आपको पैसेज आपने रीड किया पूरा, आपने पढ़ा इसको जो यहाँ पे लिखा हुआ है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में मेन आइडिया क्या, मीन्स टॉपिक क्या है, किस टॉपिक में बात की जा रही है इस पैराग्राफ में, जल्दी बोले टाइम ओवर होने वाला है। बोलिए जल्दी से बेटा,
काजल आप बताइए, आचल किसी को हिंदी में बता दो क्या होगा, हम बता देंगे इंग्लिश में क्या नोट करेंगे, पर आप हिंदी तो बोलो कुछ। दिव्यांशी माइक ऑन करें, दिव्यांशी माइक ऑन करिए, आपसे बोल रहे हैं, बोला में क्या रखेंगे टॉपिक सेंटेंस क्या रखेंगे। And their geese change the color. टॉपिक बस आपका, आपने यही समझा इसमें कि हेयर जो है कलर चेंज करते हैं, बस आपका मेन टॉपिक यही है, मेन टॉपिक ढूंढ के लिखना है, मेन टॉपिक क्या है, मुख्य विचार इसमें क्या है। रवि आप बताइए बेटा, आप लोग सुनते हो कि स्टैचू बन के बैठे रहते हो, कुछ भी नहीं समझते हो। देखो इनसे पूछे, रवि से वीडियो भी ऑफ कर लिए। आचल पहला मोबाइल सही से रखो, आचल आवाज सुन रही हो आप मेरी, आप मोबाइल ऐसे करके रखिए, ऐसे घुमाइए मोबाइल को पहले अपनी, आचल मोबाइल घुमाइए ऐसे, मैम ऐसे ही रखे हैं। आप सीधा नहीं बैठे हो, सीधा बैठिए पहले, यस अब सही है, अभी भी उल्टा है, अभी जैसे था वैसे करिए, यस अब सही है। अब बोलिए यहाँ पे क्या होगा, 10 मिनट से आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोग बोल नहीं रहे हो। काजल Differences between hares and rabbits. Hares and rabbit के बारे में difference बताया गया, अंतर बताया गया, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के बीच में differences between hares and rabbits. क्यों? यही तो इसमें है? Yes or no? क्या? बेटा इसमें देखिए रैबिट्स एंड हेयर्स के बीच में डिफरेंस बताया गया, दोनों के बीच में अंतर क्या होता है, रैबिट्स और हेयर के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो आपका इसमें मेन टॉपिक क्या होगा, डिफरेंसेस बिटवीन हेयर्स एंड रैबिट्स। ओके ठीक है, यहाँ पे नोट करिए, डिफरेंसेस बिटवीन differences between hares and rabbits. हमने जिन्हें जो पैराग्राफ रीड किया से देखिए अंतर बताया गया कि रैबिट क्या कैसा होता है, हेयर्स कैसा होता है, वो क्या खाता है, रैबिट क्या खाता है, हेयर्स क्या खाता है, दोनों में अंतर किया जा रहा है ना, क्यों इतना समझ आप लोगों को नहीं आ रहा है कि दोनों में डिफरेंस बताया जा रहा है, दोनों में अंतर बताया जा रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, डिफरेंसेस बिटवीन हेयर्स एंड रैबिट्स, नोट करिए जल्दी से। हैव यू डन? यस मैम। तो आपको इसको सेंड करना है, जो भी करवाया गया अभी, बुक सी का भी वर्क एंड बुक ए का भी वर्क, अरे बुक बी का राइटिंग जंक्शन में जो भी करवाया गया आप सेंड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रीड करेंगे ड्रामा स्टेशन, जो भी उसमें होगा वो हम रीड करेंगे। ओके ओके, बुक ए ओपन करिए, बुक बी ओपन करिए, सभी लोग इसको रेज कर दें। I have opened here. Okay.
यहाँ पे देखिए अपन के स्पीकिंग जंक्शन में क्या राइट है. रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू कैमेलियंस. यहाँ पे दो कैमेलियंस है उनके बारे में जो बातचीत हो रही है उसको रीड करना है कि दोनों क्या बात कर रहे हैं. तो बात क्या कर रहे हैं दोनों लोग. यहाँ पे फर्स्ट कैमेलियन है सेकंड कैमेलियन है. फर्स्ट कह रहा है नेचर इज सो ब्यूटीफुल. व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट नेचर. यहाँ फर्स्ट कैमेलियन बोला सेकंड कैमेलियन से कि नेचर बहुत ही सुंदर होता है. नेचर सो ब्यूटीफुल. नेचर बहुत ही सुंदर है. व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट नेचर. आपको नेचर के बारे में क्या अच्छा लगता है. नेचर में ऐसी क्या चीज है जो कि आपको ज्यादा अच्छी लगती है. ये फर्स्ट कैमेलियन सेकंड कैमेलियन से पूछ रहा है कि नेचर जो है बहुत ही सुंदर है. तुम्हें नेचर के बारे में क्या अच्छा लगता है. ऐसी कौन सी चीज है जो कि आपको नेचर में प्रकृति में ज्यादा अच्छी लगती है. यहाँ देखिए सेकंड कैमेलियन बोल रहा है आई लाइक द ट्रीज एंड बर्ड्स. दे आर सो दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर. सेकंड कैमेलियन बोल रहा है मुझे प्रकृति में नेचर में क्या अच्छा लगता है. ये पक्षियां अच्छी द ट्री एंड बर्ड्स. हमें पेड़ अच्छे लगते हैं और पक्षी अच्छे लगते हैं. जो पक्षी उड़ते हैं वो अच्छे लगते हैं और पेड़ अच्छा लगता है. दे आर सो डिफरेंट क्योंकि वे बहुत अलग अलग होते हैं. अलग अलग प्रकार के और अलग होते हैं. ये ट्री जो है ट्री और पेड़ पक्षी जो है अलग अलग प्रकार के और अलग अलग कलर के होते हैं. इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नेचर में. देन व्हाट अबाउट यू. अब उससे पूछ रहा है तुम्हारे बारे में क्या है. आई लाइक द ब्लू स्काई. अब देखिए कह रहा है कि मुझे ब्लू स्काई अच्छा लगता है. नीला आसमान अच्छा लगता है. क्यों. द रिवर्स सैंड एंड बटरफ्लाईज. मुझे आसमान अच्छा लगता है. नदियां अच्छी लगती हैं और बटरफ्लाईज तितलियां अच्छी लगती हैं. ये सेकंड फर्स्ट कैमेलियन बोल रहा है मुझे आसमान अच्छा लगता है. नदियां अच्छी लगती हैं और बटरफ्लाई अच्छी लगती हैं नेचर में प्रकृति में. देन नाउ गेट इनटू पेयर्स एंड टेक टर्न्स टू टेल योर पार्टनर अबाउट एनी फाइव थिंग्स यू लाइक अबाउट नेचर. गिव रीजन. अब आपका चांस है. आपको बोलना है वन बाय वन कि आपको नेचर में क्या अच्छा लगता है. ठीक है. आपको बातचीत करनी है अपने पार्टनर से अपने क्लासमेट से कि आपको ब्रैकेट में क्या क्या अच्छा लगता है. आपको आपको फाइव थिंग्स ऐसे फाइव थिंग्स के नेम बताने हैं जो कि ब्रैकेट में आपको अच्छे लगते हैं. और क्यों अच्छे लगते हैं. रीजन क्या है इनको अच्छा लगने का आप ये बताओगे. तो इसको आप रेडी रखना. नेक्स्ट सेशन में आप सभी को बोलना रहेगा इस टॉपिक पे. इस टॉपिक को आपको रेडी रखना है. आपको कोई फाइव थिंग्स सोच के उसके बारे में लर्न करना है कि आपको प्रकृति में ऐसे कौन सी फाइव थिंग्स हैं. दिव्यांश आप देख रहे बगल सामने नहीं देख रहे हो घूम रहे. आपको आप प्रकृति में ऐसे कौन सी फाइव चीजें अच्छी लगती हैं और क्यों अच्छी लगती हैं. आपको इसका रीजन ढूंढ के लिखना और बोलना रहेगा. तो आप लोग इसको रेडी रखना. नेक्स्ट सेशन में आप सभी को सुनाना रहेगा. ठीक है. कि आपको yes, क्या क्या अच्छा yeah. लगता है और क्यों अच्छा लगता है. किसी को कुछ पूछना है मैडम. मैम किसका नहीं कंप्लीट हुआ ये. अभी कौन पूछता था कि यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है. काजल का. अब नहीं बोलेंगे कोई. ठीक है. तो इसको आपको आज ही बोलना. लेकिन तो अभी आपको रेडी तो है नहीं बोलोगे. इसलिए आप रेडी रखना. आप सभी को नेक्स्ट सेशन में बोलना रहेगा इस टॉपिक पे. कोई फाइव थिंग्स आप ढूंढ के सोचना कि आपको क्या अच्छा. पक्षी अच्छे लगते हैं या एनिमल्स अच्छे लगते हैं. फ्लावर्स अच्छे लगते हैं. बटरफ्लाई अच्छी लगती है. इंसेक्ट अच्छे लगते हैं. जो भी आपको अच्छा लगता होगा प्रकृति में आप उनके बारे में सोच के सोचना ढूंढना और फिर क्यों अच्छा लगता है इसको भी बताना. तो आपको रेडी रखना है कि सुना बोलना है मतलब लिखना नहीं है. कि आपको बातचीत करनी है इसके बारे में. सभी को करनी रहेगी. ठीक है. बाकी जो यहाँ पे लिखनी जंक्शन है ये हम लोग ने सदन में आपको स्टोरी सुनाएंगे. तो आप स्टोरी सुन के इसको कंप्लीट करेंगे. अभी नहीं कंप्लीट करेंगे. फिर आपका रहेगा ग्रामर स्टेशन. चलिए बेटा सफर एंड करते हैं. अभी टाइम है लेकिन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे. कंप्लीट नहीं हो पाएगा. इससे अच्छा हम सफर एंड करते बाद में स्टार्ट करेंगे दूसरा टॉपिक जो भी है. ठीक है. ओके बेटा. गुड बाय स्टूडेंट.
मैम गुड बाय बेटा गुड बाय मैम गुड बाय